तो हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम भरने वाले हैं LIC का NEFT फॉर्म। हेलो फ्रेंड्स, ये रहा मेरे हाथ में LIC का NEFT फॉर्म। फ्रेंड्स, इस फॉर्म के जरिए हम LIC को अपना अकाउंट डिटेल्स देते हैं, जिसपे आपके पॉलिसी का जो भी भुगतान रहता है इस अकाउंट पे आपको किया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसे भर के दिखाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे शाखा कार्यालय जहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको अपना ब्रांच का कोड और ब्रांच का नाम लिखना है। अगर आपको कोड पता नहीं है तो आप अपना ब्रांच का नेम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकंड जाइएगा, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे दिख रहा है पॉलिसी संख्या, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहे हैं तीन बॉक्स इधर और तीन बॉक्स इधर हैं। तो आपको अपने पॉलिसी का नंबर लिखना है जो कि 9 अंक का आता है। तो आपको फर्स्ट वाले बॉक्स में जो है अपना पॉलिसी नंबर डालना है, बाकी यहाँ पे 5 बॉक्स खाली छोड़ना है। अगर सेम ब्रांच में आपका एक से ज़्यादा पॉलिसी है तो उस हिसाब से जितने भी पॉलिसी है आप यहाँ पे भर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 6 बॉक्स दिए गए हैं, तो मेरा एक पॉलिसी है तो यहाँ पे हम पॉलिसी नंबर भर दिए। उसके बाद आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं दावेदार का नाम, तो जिसके नाम से भी पॉलिसी है उसका नाम हमको यहाँ पे डालना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे नाम डाल लेते हैं। नाम डालने के बाद आपको यहाँ पे बैंक का नाम डालना है। तो फ्रेंड्स, आपका अकाउंट जिस भी बैंक में है उस बैंक का नाम डाल लेना है। तो मेरा एक्सिस बैंक में है तो हम यहाँ पे एक्सिस बैंक डाल लेंगे। और फ्रेंड्स, बैंक की शाखा का पता, फ्रेंड्स आपके बैंक का जो भी ब्रांच है उसका एड्रेस जो भी है आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं अपने बैंक का एड्रेस डाल लेता हूँ। फ्रेंड्स, आप यहां पे हिंदी में भर सकते हैं, मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखा दिया हूं इंग्लिश में भर के। आप यहां पे आपको हिंदी में भरना है। अगर आप इंग्लिश में भरना चाहते हैं तो जस्ट पेज के पीछे आपको इंग्लिश वाला भी ऑप्शन मिल जाता है। फ्रेंड्स, यहां पे बैंक का जो भी ब्रांच है उसका एड्रेस डालना है। उसके बाद आपको यहां पे खाता का प्रकार, यानी आपका अकाउंट किस टाइप का है, सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट जो भी है आपको यहां पे डालना है। तो हमारा सेविंग अकाउंट है तो हम यहां पे सेविंग अकाउंट डाल लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आपको 5वें नंबर में खाता संख्या, आपका अकाउंट नंबर जो है इस वाले बॉक्स में यहाँ तक जो आप देख रहे हैं भरना है। तो इसमें हम चलिए अकाउंट नंबर डाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे हम जो है अकाउंट नंबर भी डाल लिए हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे 6ठे वाले नंबर में IFC कोड डालना है। तो फ्रेंड्स, जो भी अकाउंट यहाँ पे डाल है उसका IFC कोड यहाँ पे डाल लीजिए। फ्रेंड्स, आपके अकाउंट का IFC कोड डालने के बाद आपको यहाँ पे डालना है अपना मोबाइल नंबर। फ्रेंड्स, जो भी मोबाइल नंबर आप अपने बैंक अकाउंट में दिए हैं वो मोबाइल नंबर, या तो अगर आप बैंक अकाउंट मोबाइल नंबर नहीं दिए हैं तो जो भी मोबाइल नंबर आपके पास है कोई भी नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए मैं अपना नंबर डाल लेता हूँ। फ्रेंड्स, उसके बाद जो आप नीचे जाइएगा तो यहाँ पे आपका ईमेल आईडी मांगा जाता है। तो अपना अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी भी दे सकते हैं, वरना इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। तो मेरे पास ईमेल आईडी बना है तो मैं अपना ईमेल आईडी दे देता हूँ। फ्रेंड्स, 9वें वाले में आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि जो LIC पॉलिसी संबंधित सूचना जो है, आप अगर ईमेल आईडी पे आप मैसेज LIC से रिलेटेड कुछ भी चाहते हैं तो आपको यस करना है, तो आपके मेल आईडी पे भी भेज दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है रद्द किया हुआ चेक पन्ना, यानी कैंसिल चेक जो है आपको इस फॉर्म के साथ एक जमा करनी पड़ेगी। और फ्रेंड्स, उस चेकबुक में आपका नेम प्रिंटेड होना चाहिए। अगर आपके पास नेम प्रिंटेड का चेकबुक नहीं है तो आप यहाँ पे खो वाले ऑप्शन में अपने पासबुक के फ्रंट पेज का जो है कॉपी करके वो भी दे सकते हैं। तो अगर आपके पास चेकबुक नहीं है तो पासबुक भी आप सबमिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है बीमा धारक का जो है हस्ताक्षर करना है आपको। तो चलिए मैं, मेरे नाम से पॉलिसी है तो मैं अपना सिग्नेचर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे डेट, जिस डेट को आप फॉर्म जमा करेंगे तो वहाँ पे डेट डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये पूरा फॉर्म जो है फिलअप हो चुका है। इसके साथ आपको एक आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट भी डालनी होगी। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपका लगेगा चेकबुक या पासबुक। अगर चेकबुक डालते हैं तो नेम प्रिंटेड होना चाहिए, अगर पासबुक डालते हैं तो पासबुक का फ्रंट पेज। और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट के लिए आपको या तो आप पैन डाल सकते हैं, या तो आपके पास आधार है तो आधार डाल दीजिए, या तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इनके साथ जो है आपको LIC ऑफिस पर जाके ये NEFT फॉर्म जमा करना है, जिसके बाद जो है आपका अकाउंट LIC पॉलिसी से जुड़ जाएगा। और फ्रेंड्स, आपका जो भी अमाउंट वहां से भुगतान किया जाएगा इस वाले अकाउंट जो कि अभी डिटेल्स में दिए हैं इस पे आपको भेजा जाएगा।